वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। सुना है कि सुनी सुनाई पर नहीं आंखों देखी पर यकीन करना दानिशमंदी की निशानी है, लेकिन अगर एक जीती जागती गाती गुनगुनाती उछलती कूदती सच्चाई किसी को सुनाई ना दे और दिखाई भी ना दे तो सुबह उठकर जॉगिंग पर जल्दी जाना उसकी पुरानी आदत थी। वापस आकर ठंडे पानी से शावर लेना, कपड़े प्रेस करना और फिर पराठों के साथ दो अंडों का ऑमलेट वाला क्लासिक शाही नाश्ता, साथ गर्मा गर्म चाय की चुस्की और 8 बजे की न्यूज हेडलाइंस। ठीक 8:15 बजे वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता, लेकिन निकलने से पहले वो चूचू के लिए थोड़ा सा बाजरा उसी पुरानी स्टील की कटोरी में डालकर अपने बेडरूम की खिड़की के पास रख दिया करता था। आयत भी इसी तरह कटोरी में चूचू के लिए बाजरा निकाल कर रखा करती थी। शाम को लौटने पर कटोरी को खाली देखकर उसे तसल्ली हो जाती कि नीले परों, सुनहरे पंजों और सुर्ख चोंच वाली चूचू जहाँ भी थी बिल्कुल खैरियत से थी। चूचू भी अपनी दोस्त की तरह आदत की बिल्कुल पक्की थी और रोजाना दाना चुगने आ जाया करती थी, लेकिन आदतें कितनी भी अच्छी या पक्की क्यों ना हों, कभी ना कभी छूट जाती हैं। उस दिन कटोरी बिल्कुल उसी तरह भरी हुई थी जैसे वो सुबह छोड़कर निकला था। लगता है चूचू आज किसी के यहाँ दावत में चली गई होगी, कोई बात नहीं कल आ जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। लेकिन वो कल नहीं आया। 1, 2, 3, 4, 5 यूं दिन गिनते गिनते 6 हफ्ते हो गए, मगर चूचू नहीं लौटी। वो अब हर वक्त चूचू की फिक्र में बेचैन रहने लगा था। अगर चूचू को कुछ हो गया तो मैं आयत को क्या जवाब दूंगा, ये सवाल अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। उसके हाथ से चीजें फिसल जाती, काम बनते बनते बिगड़ जाते, कभी उससे लाइट ऑन रह जाती तो कभी वो इस्त्री को ऑफ करके कपड़े प्रेस कर देता। उसकी सेहत भी कमजोर होने लगी थी। उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ था जो किसी भी तरह हल्का नहीं हो रहा था। आज रात वो फिर चूचू की राह देखते देखते खिड़की के पास रखे सोफे पर ही सो गया। अचानक उसकी आंख दरवाजा खटखटाने की आवाज से खुली। चूचू अपनी सुर्ख चोंच से खिड़की पर दस्तक दे रही थी। ये ख्वाब है या हकीकत, ये देखने के लिए उसने फौरन उठकर खिड़की खोली और चूचू उड़कर उसके दाएं कंधे पर आकर बैठ गई। उसने चूचू को देखकर सुकून का सांस लिया। नाराज तो नहीं होना, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, चूचू ने चहकते हुए वादा किया। जिंदगी अब एक बार फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी थी। बस एक चीज का फर्क आ गया था, वो जब भी चूचू से बातें करता लोग उसे मशकूक नजरों से देखते और कहते बेचारा पागल है शायद, देखो जरा खुद से ही बातें कर रहा है। भाई अपना इलाज करवाओ, तुम्हारे कंधे पर कुछ नहीं, तुम्हारे जहन पर कोई फुतूर सवार हो गया है। लोगों का यह बदला हुआ रवैया उसे समझ नहीं आया। वो उनकी बातें एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। चूचू अब उसकी जिंदगी का महवर बन चुकी थी। अपनी आदत की तरह चूचू अपने वादे की भी पक्की थी। वो कभी उसे छोड़कर कहीं नहीं गई, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। वो एक पल के लिए भी उसके कंधे पर से नहीं हटती थी। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते दौड़ते भागते लिखते पढ़ते आते जाते हर पल हर वक्त हर घड़ी वो साए की तरह उसके साथ रहती। उसके दिल का बोझ अब उसके कंधे का बोझ बनने लगा था। चूचू का चहचहाना अब उसे चुभने लगा था। उसने चूचू को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी भी बात पर राजी नहीं थी। वो उसे गुस्से से उड़ाता तो वो उसके दाएं कंधे से उड़कर उसके बाएं कंधे पर आकर बैठ जाती। प्यार से समझाता, जाने के लिए कहता तो वो जोर जोर से गाना गाकर उसके कान खा जाती। हार मानकर एक दिन उसने मदद लेने का फैसला किया, पर वो किससे मदद मांगता, लोग तो उसे नफसियाती करार दे चुके थे। इस वक्त उसे एक मोहसिन की जरूरत थी। हिम्मत जुटाकर वो अपने पुराने दोस्त मोहसिन से मिलने चला गया, जो सिर्फ नाम का ही नहीं किरदार का भी मोहसिन था। उसने मोहसिन को सारा माजरा सुनाया। मोहसिन ने उसकी सारी बात बहुत गौर और तहम्मुल से सुनी। तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं पागल हो गया हूँ, उसने बेबस होकर पूछा। नहीं मेरे दोस्त, हरगिज नहीं, मोहसिन ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, ये कहकर मोहसिन वहाँ से उठा और दूसरे कमरे में चला गया।
5 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक पिंजरा था। मोहसिन ने उस पिंजरे को बड़े एहतियात के साथ मेज पर रख दिया। अपना हाथ आगे बढ़ाकर बहुत शफकत के साथ उसने चूचू को कंधे पर से उठाया, पिंजरे का दरवाजा खोला और चूचू को अंदर दाखिल करके दरवाजा लॉक कर दिया। चूचू की कैद और अपनी रिहाई का ये मंजर देखकर वो कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन हो गया। तुम अब चूचू की बिल्कुल फिक्र मत करना, आज से वो मेरी जिम्मेदारी है और यहीं रहेगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, तुम जब चाहो उससे मिलने यहाँ आ सकते हो। कुछ देर सोचने के बाद वो खड़ा हुआ, उसने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया और आखिरी बार चूचू की तरफ देखा। उसके नीले पर धूप में नीलम की तरह चमक रहे थे। वो कुछ गुनगुना रही थी, मानो जैसे खुशी खुशी अलविदा कह रही हो। जाते जाते एक ख्याल ने उसके कदम रोक लिए। वो पलट कर आया, उसने अपनी जेब से वही पुरानी स्टील की कटोरी निकाली और मोहसिन को देते हुए कहा, अगर आज मेरी आयत जिंदा होती तो वो भी शायद यही करती है ना। खुद को मिटाकर ख्वाबों का एक सिलसिला बुन लिया था उसने। बेनजर, बेसदा, बेजान है दुनिया, ये मान लिया था उसने। दीवानगी और समझ में फासले हैं कई, ये जान गया था वो। बेहिसी में छुपी सच्चाई पर से पर्दा हटा चुका था वो। उसका जुनून एक पिंजरे में कैद और खुद एक चिड़िया सा आजाद हो चुका था वो। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।